यूपी के बुलंदशहर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन द्वितीय शनिवार को संपूर्ण जिले में होगा। जिला विविध सेवा प्राधिकरण बुलंदशहर के सचिव अशोक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष बुलंदशहर के निर्देशानुसार दिनांक 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय बुलंदशहर स्थित न्यायालय बाई स्थित न्यायालय खुर्जा अनुपशहर तथा समस्त राजस्व न्यायालयों में किया जाएगा, जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर वैवाहिक वाद, गुजारा भत्ता वाद, सिविल वाद, उत्तराधिकार वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद, लघु आपराधिक वाद, स्टॉप कमी, चकबंदी, श्रम एवं राजस्व वाद तथा बैंक प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया जाएगा। मोटर दुर्घटना प्रतिकार वादों में प्रत्येक दिन सायंकाल 4 बजे से दीवानी न्यायालय बुलंदशहर के केंद्रीय सभागार कक्ष में समझौता वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर आपके वादों के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। ऐसे पक्षकार उपस्थित होकर लंबित मामलों का निपटारा करवा सकते हैं। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में दिनांक 12 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिस संबंध में फौजदारी में सामने मामले, सिविल के मामले, राजस्व संबंधी मामले, पारिवारिक विवाद संबंधित मामले, MSET के मामले निस्तारण किया जाएगा। तो जिसके संबंध में लोग को आह्वान किया जाता है कि वो लोग अदालत में आके अपने वादों का निस्तारण समझौते के आधार पर कराएं, तथा इस संबंध में लोगों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो COVID-19 के संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन कठोरतापूर्वक करें। न्यायालय परिसर में सभी व्यक्ति मास्क लगा के आएँ तथा उचित दूरी, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इस लोक अधालत में वादों में स्नान करने के लिए किसी भी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या का आवश्यकता पड़ती है, उसके निदान हेतु तो जिला विधि सेवा प्राधिकरण संपर्क कर सकते हैं, उनकी सूचित सहायता की जाएगी। NBCN न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।